Good afternoon. So हम प्लस टू की फिजिक्स शुरू करने वाले हैं आज. देखिए प्लस वन में भी फिजिक्स आपने पढ़ी है, अभी हम प्लस टू में पढ़ेंगे. पहली बात तो ये समझो कि प्लस टू की फिजिक्स प्लस वन से बहुत आसान है. एक तो आपका माइंड सेट बन चुका है और दूसरा है भी आसान. तो ऑलमोस्ट प्लस टू की फिजिक्स वही है जो आपने टेंथ में पढ़ी थी. इट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मोस्ट ऑफ द पार्ट एंड ऑप्टिक्स ऑल्सो. कुछ नई चीज़ें भी हैं ऑफ कोर्स जो आपने नहीं पढ़ी थी टेंथ में, पर आप कंपेयर करो नाइन्थ की फिजिक्स इलेवंथ में है और टेंथ की फिजिक्स ऑलमोस्ट प्लस टू में है, पर बहुत एलोबरेट हो गया आई वुड से. सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिट. नौ यूनिट आपके. फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टेटिक. पहले तो इलेक्ट्रोस्टेटिक वर्ड का मीनिंग समझिए आप. ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टेटिक. स्टेटिक अगर आपको याद हो, इफ यू कैन रिकॉल योर प्लस वन, तो इसका मतलब होता है एट रेस्ट. और इलेक्ट्रो का मतलब आप यहां समझ लो चार्ज. तो फर्स्ट यूनिट जो आपके पेपर में आठ से नौ नंबर की आएगी, इट्स ऑल अबाउट चार्ज एट रेस्ट. इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा, मोशन ऑफ चार्ज करंट बन जाता है. ओके सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट. अब चार्ज एट रेस्ट है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको स्टोर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. तो मोशन ऑफ चार्ज बन जाएगा करंट, जो अपनी सेकेंड यूनिट है जो बाद में अपन डिस्कस करेंगे. पहले चार्ज एट रेस्ट. अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है कि चार्ज है क्या और ये आया कैसे. चार्ज कब डिस्कवर हुआ था? जस्ट फॉर एग्जांपल, ये थ्योरी है कि एक्सीडेंटली, जैसे आपने भी क्लासेज में किया है, अगर अपन पेन को रब करते हैं बालों से तो वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग जाता है जो पहले नहीं कर रहा था. तो रब करने से ऐसा क्या हुआ कि वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग गया? कुछ तो एक्स्ट्रा आ गया उसके पास, और जिसने भी इसको स्टडी किया उसने नाम दे दिया कि उस पर क्या एक्स्ट्रा आ गया, चार्ज. सो चार्ज आने के बाद जो आपका पेन था या आपका स्केल था वो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगाने लग गया, इलेक्ट्रिक फोर्स. हो सकता है पहले वो मास की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स भी लगा रहा हो, पर वो हमें फील नहीं होता क्योंकि वो बहुत, इट्स वेरी वेरी लेस. बट चार्ज आने के बाद वो कौन सा फोर्स लगाने लग गया? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स. तो दिस इज वी कैन से हाउ चार्ज इज डिस्कवर्ड. सो अगर चार्ज को डिफाइन ही करना पड़े तो वी कैन से दैट चार्ज इज प्रॉपर्टी विच व्हेन एक्वायर्ड बाय बॉडी इट स्टार्ट एक्सर्टिंग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स. इफ यू वॉन्ट टू मेक नोट्स, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं. सो बैटरीज की आप सुनो और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, वो ज़्यादा सही है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा. तो फिर स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन डू इट. तो चार्ज की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी के ऊपर आ जाती है जिसके बाद वो कौन सा फोर्स लगाने लग जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अभी थोड़ा चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं. चार्जिस, इसकी SI यूनिट क्या है? कूलम. और उसको सी से लिखते हैं. न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ऐसे ही चार्ज की यूनिट है कूलम. कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कूलम लॉ दिया था जो आगे पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो SI यूनिट है कूलम. अब चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसको आप सीधा ऐड कर सकते हैं, सीधा, नो वेक्टर लॉज रिक्वायर्ड हियर. आप सीधा चार्ज को ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. मास एक ही तरह का था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो जीरो भी नहीं हो सकता. तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव, चार्ज कैन बी नेगेटिव और चार्ज कैन बी जीरो. अब ये कैसे पता चले चार्ज दो तरह का है? क्योंकि चार्ज अट्रैक्ट भी करता है और चार्ज रिपेल भी करता है. मास कभी रिपेल नहीं करता. अगर मास भी रिपेल करता तो हमें फिर हो सकता है मास भी हमें दो तरह का मानना पड़ता. तो चार्ज दो तरह का है, जस्ट उसको नाम दिया है, एक को पॉजिटिव एक दूसरे टाइप को क्या नाम दे दिया? नेगेटिव. अब ये तो है बेसिक ऑफ चार्ज. अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आपको पढ़नी पड़ेगी.
बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज आया कहाँ से, उसके लिए अपने को बेसिक यूनिट चार्ज की पढ़नी पड़ेगी, दैट इज नोटेड बाय ई. नाउ व्हाट इज़ ई, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 एंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ चार्ज, इट्स कूलम. सो जस्ट कीप इन माइंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज ई एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम. सो नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज. रब करने से ऐसा क्या हुआ कि चार्ज आ गया जो पहले नहीं था. मैंने आपको शुरू में बताया कि जब अपा, इफ़ यू कैन रिकॉल योर स्मॉल क्लासेस, जब आप छोटे थे तो आपने भी किया होगा, स्केल से रब करके आप पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते थे. तो ऐसा क्या हुआ स्केल के साथ कि उस पर चार्ज आ गया, मीन्स ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज आता क्यों है, पहले क्यों नहीं था और ऐसा क्या हुआ कि चार्ज आ गया. उसके लिए देखिए बेसिक है, आपको जाना पड़ेगा एटम पे. तो अपना टॉपिक है ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि चार्ज आता क्यों है, और ओरिजिन ऑफ चार्ज में मैं आपको बता रहा हूँ आपको जाना पड़ेगा एटम पे. नाउ व्हाट इज एटम, आई होप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट एटम बना किससे है. एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, अभी ऐसे लिखूंगा इसको, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव. पॉजिटिव क्या बता रहा है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव. और ये नॉट क्या बता रहा है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. सो अभी हमें न्यूट्रॉन से कोई काम नहीं है, हमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काम है. कोई भी एटम लीजिए, कोई भी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक मास है 23. मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, एक्स इज एटम, नाउ ए इज मास नंबर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर. अब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11, और प्रोटॉन कितने हैं, 11. न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है बिकॉज उसमें चार्ज नहीं है. तो अगर हम सोडियम की बात करें, बातें देखिए, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव में. सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई. अब सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, माइनस ई. तो सोडियम में नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज इन सोडियम कितना है, माइनस 11 ई. और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, क्या कोई बता सकता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज प्लस 11 ई. तो टोटल चार्ज कितना है सोडियम में, जीरो. तो सोडियम के अंदर चार्ज है पर सोडियम में चार्ज नहीं है, सॉरी सोडियम पे चार्ज नहीं है. सोडियम में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है. द रीजन इज द नेगेटिव चार्ज दैट इज ऑन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज ऑफ ऑन प्रोटॉन्स. सो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो समझ लीजिए कि हम प्रोटोन नहीं निकाल सकते, किसी भी एटम से हम प्रोटोन नहीं निकाल सकते, प्रोटोन आर कैप्ट डीप इनसाइड द न्यूक्लियस. अब इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है, आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. हम फिजिक्स में इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, तो जिसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं उसको, वर्क फंक्शन. ओके, वर्क फंक्शन मीन्स वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन. नाउ सपोज यू हैव वन रिमूव, यू रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. सो वन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, सो नाउ नेगेटिव चार्ज इन सोडियम इज माइनस 10 ई, 11 थे 10 बचे, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है. तो अब सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो विल राइट एन ए पॉजिटिव. सपोज आपने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, टू इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, तो कितना आएगा, एन ए टू पॉजिटिव. अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो सोडियम पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो दो नेगेटिव. तो सोडियम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था उस पर चार्ज क्यों आया, ड्यू टू रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो यहाँ से आपका राइटिंग वर्क स्टार्ट होता है. यू कैन राइट डाउन दैट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ चार्ज. सो व्हाई देयर इज चार्ज, अब आप यहाँ से देख सकते हो, चार्ज ऑन एनी बॉडी, ये सेंटेंस आपको लिखना है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको समझ में आया, देखिए पहले किसी भी नेचर ने क्या किया है, नेचर ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की है, नेचर ने जितने उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन डाले हैं उतने क्या डाले हैं, प्रोटॉन. तो जितना नेगेटिव चार्ज है एटम में उतने क्या है, पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिकली नेचर ने एटम को न्यूट्रल बनाया था. वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन, सिंपली रब करने से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, एंड वी कैन ऐड इलेक्ट्रॉन. सो किसी भी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये आपको याद रखना है. अब स्केल के साथ ऐसा क्या हुआ था जब हमने बालों से रब किया था, जब आप स्केल को हेयर से रब करते हो तो स्केल से इलेक्ट्रॉन निकल के बालों पे चले जाते हैं. तो बताओ हेयर पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और स्केल पे क्या चार्ज आ, स्केल पे सॉरी क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव. सो अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप कहते हो एनर्जी, एनर्जी फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जो आपने रबिंग में वर्क किया है, जो आपने 10 जूल सपोज वर्क किया है, वो 10 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई है और वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बन गई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं. सो जब भी आप पेन से अपने बालों को रब करते हो तो देर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव. जिस पे आए हैं, जिससे निकले हैं, उस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव. सो माय होल कंसेप्ट, द होल पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ओरिजिन ऑफ चार्ज, एंड दैट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहले तो आपको क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा. क्वांटाइजेशन क्या है, देखो मैं बताने की ट्राई करता हूं. क्वांटाइजेशन और उसका उल्टा होता है कॉन्टिन्यूस. मैथ्स में दो टर्म्स हैं, क्वांटाइजेशन एंड कॉन्टिन्यूस. सपोज वी हैव स्टेप्स, हमें किसी हाइट पे जाना है और हमारे पास स्टेप्स हैं. ये 1 मीटर का स्टेप है, इट इज 1 मीटर, और ये एक स्लोप है. अब आप आइडिया लगाओ, आपको क्या लग रहा है, ये स्लोप क्या है, कॉन्टिन्यूस, और ये क्या है, क्वांटाइज्ड. अब ये कैसे क्वांटाइज्ड है, इसमें आप सीधा 1 मीटर पे जाओगे, उसके बाद सीधा 2 मीटर पे जाओगे, उसके बाद सीधा 3 मीटर पे जाओगे. यू कांट बी एट 1.2 1.3 मीटर्स इन क्वांटाइजेशन, और कॉन्टिन्यूस में आप कहीं भी खड़े हो सकते हो. तो अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझो. मैं कहूँगा कि जो स्टेयर वाली हाइट है वो क्वांटाइज्ड है और स्लोप वाली हाइट क्या है, कॉन्टिन्यूस. तो जब भी कोई चीज़ एक पर्टिकुलर स्टेप में इंक्रीज डिक्रीज होती है, लाइक स्टेयर्स, और वो स्टेप का साइज सेम होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ क्या है, क्वांटाइज्ड. तो यहाँ पे हाइट क्वांटाइज्ड है और यहाँ पे हाइट क्वांटाइज्ड नहीं है. सो क्वांटाइज्ड वर्ड ही समझो आप कहाँ से आया था. देखो आइंस्टाइन ने दिया था, पहले लोग कहते थे कि लाइट कॉन्टिन्यूस है. प्लैंक ने आके क्या कहा कि लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, लाइट तो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और उस पैकेट को उसने क्या नाम दिया था, क्वांटा, जिसको आप आजकल क्या कहते हो, फोटोन. सो पहले तो क्वांटाइजेशन समझो. क्वांटाइजेशन क्या है, व्हेन एनीथिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स, दैट थिंग इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड. सो हियर इन स्टेप हाइट इज क्वांटाइज्ड, इन स्लोप हाइट इज नॉट क्वांटाइज्ड. लाइट अर्लियर कंसीडर टू बी कॉन्टिन्यूस, नाउ लाइट इज कंसीडर टू बी क्वांटाइज्ड. चलो ये भी अपने टॉपिक है, आगे 7th यूनिट है, कभी हम पढ़ेंगे. नाउ वी कम टू चार्ज. नाउ व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सपोज आपने किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर कितना चार्ज आएगा, 1 नहीं. आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऐड कर दिए तो कितना चार्ज आएगा, 2 ही. आपने 3 निकाल दिए तो
थ्री ई, आपने एन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना चार्ज आएगा, एन ई। क्या ये एन कभी 1.2 या 1.3 हो सकता है? क्या हम डेढ़ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते। तो मीन्स चार्ज भी क्या है, क्वांटाइज्ड, और चार्ज का एक स्टेप कितना है, ई। चार्ज कैन बी ई, चार्ज कैन बी 2e, चार्ज कैन बी 3e, चार्ज कैन नॉट बी 1.5e। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मीन्स दिस एन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी होल नंबर। सो आई एम गोना राइट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, देखो मैथमेटिकली मैं लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। Q इज इक्वल टू एन ई। नाउ व्हाट इज Q, Q इज सिंबल फॉर चार्ज। हम चार्ज को किससे नोट करते हैं, Q से। तो Q चार्ज का सिंबल है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज, नाउ रीड द स्टेटमेंट एंड लुक एट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज Q हियर, Q is charge. What is n here? That is integer. Now, अगर आपको integer नहीं पता है तो यहाँ के लिए आप समझ लो whole number. Fraction में नहीं होना चाहिए ये n. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम किसी से डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, तो n actually क्या है, number of electrons. I will write here n is also number of electrons. और e क्या है, यहाँ पे E is 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. Means E is basic unit of charge. So ये बहुत important है। मैं quantization आपको दोबारा से बताने की जरूरत करता हूँ कि हम किसी भी body में से आधे दूरे electron नहीं निकाल सकते, आपको complete number of electron निकालने पड़ेंगे। या तो एक electron निकालोगे, या दो निकालोगे, या तीन निकालोगे। तो आप n electron निकालते हो तो Q कितना आएगा, Q is equal to एनी। नाउ क्यू इज चार्ज इक्वल टू एन मस्ट बी होल नंबर और इंटीजर, और ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो जैसे आपको स्टेयर वाला एग्जाम्पल था कि स्टेयर में स्टेप वाइज हाइट बढ़ती है, चार्ज भी स्टेप वाइज बढ़ेगा, और चार्ज का एक स्टेप कितना है, ई। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यू इज इक्वल टू एनी। मैं स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू बेसिक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। So this is quantization of charge. Now let we do a small numerical. छोटा सा numerical हम अभी करते हैं quantization पे, इस पे numerical आ सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या formula बताया, Q is equal to Ne. Okay, for example, can 2.4 into 10 raised to power minus 19 coulomb charge possible? Now solution, now Q I have given you how much, 2.4 10 raised to power minus 19 coulomb. E I hope sabko ab tak yaad ho jana chahiye, 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. N you need to find. So yes, use this simple formula, Q is equal to Ne. How much Q is, 2.4 10 raised to power minus 19 coulomb, and N we need to find, and E is 1.6 into 10 raised to power minus 19. So if you can solve, the N will be 2.4 by 1.6, N will be 1.5. तो अगर हम किसी बॉडी से डेढ़ इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर इतना चार्ज आएगा। अब मुझे बताओ कि आप डेढ़ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। Why not possible? Because n integer नहीं आ रहा है, n complete number नहीं आ रहा है, n fraction में आ रहा है। चलिए एक और numerical करते हैं। Can ये charge possible हो सकता है क्या, 8.0 10 raised to power minus 19 coulomb। अब ये पर solve करते हैं, 8.0 into 10 raised to power 19 coulomb, no need to write unit, actually मैंने लिख दिए, चलो n into
1.6 × 10⁻¹⁹. सो क्यू, देखो ये सिंपल फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई. इसको सॉल्व करो, देखो 10⁻¹⁹ से ये कैंसिल, तो एन आएगा 8.0/1.6, दिस विल बी पूरा 5. एन क्या आ रहा है, कंप्लीट नंबर, इंटीजर आ रहा है, तो दिस चार्ज इज पॉसिबल. मीन अगर आप किसी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इतना चार्ज आ जाएगा. तो अभी क्वांटाइजेशन पे क्या न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो अगर आपका एन क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो वो वाला चार्ज पॉसिबल है. अगर एन फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा था 1.5, 1.2 आ जाए, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है. नाउ आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वी नीड टू हैव 1 कूलम चार्ज. सो अभी क्यू कितना दिया आपको, 1 कूलम. एन आपको निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इज इक्वल टू एन, नहीं क्यू कितना है 1. एन यू नीड टू फाइंड, ई इज 1.6 × 10⁻¹⁹. सो एन विल बी 1/1.6 × 10⁻¹⁹. इसको सॉल्व करना आपका काम है. आर यू एबल टू सॉल्व, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? मैं फिर लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹. तो एन आएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹, 0.625 × 10⁻¹⁹. एट 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालते हो, दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स अ ह्यूज नंबर. 10⁻¹⁹ इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन, एंड 7 बिलियन इज पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड. सो वी नीड 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स. यस, थिंक अबाउट कितना बड़ा नंबर है, काउंटिंग खत्म हो रही है हमारी. इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तब जाके 1 कूलम चार्ज बनता है. अब इतने बड़े नंबर पे हम क्वांटाइजेशन को क्या कर देते हैं, इग्नोर. सो इग्नोर का मतलब क्या है, कि जब हम बहुत बड़े लेवल पे चार्ज की बात करेंगे, 1 कूलम इज एक्चुअली वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, आपको पता चलेगा कि जब हम कूलम लॉ करेंगे, इतने बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम नहीं देखते कि एन क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है या होल नंबर आ रहा है, तो वी जस्ट इग्नोर क्वांटाइजेशन. सो क्वेश्चन में भी वाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक. मैक्रो यू नो, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा. तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन क्यों इग्नोर कर देते हैं? द आंसर इज सिंपल, यू कैन राइट सिंपल एंड स्ट्रेट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी, इट इन ऑल्सो वेरी लार्ज नंबर. देखो भाई, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप आलू लेने जाते हो, यू गोइंग टू बाय पोटैटोज, आर यू कीप इन माइंड 10 ग्राम्स और 20 ग्राम्स? आप कभी सोचते हो कि उसने 10 ग्राम ज़्यादा दे दिए, कम दे दिए? लेकिन जब हम गोल्ड खरीदते हैं, क्या तब हम 10 ग्राम का ध्यान रखते हैं? वी इवन कैप्ट इन माइंड 1/100 ग्राम्स. तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है, इस पर हम एक एक इलेक्ट्रॉन का ध्यान रख रहे हैं. ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है, हम इस पर एक एक इलेक्ट्रॉन का ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें क्वांटाइजेशन का ध्यान रखना होता है, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और उसमें से उसको फ्रैक्शन तक सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल कभी कभी नहीं होता है. सो वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल. सो नाउ देयर इज अ लिटिल बिट होमवर्क फॉर यू. द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर. वाटर इज H2O. हिंट दे देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर. अब इसमें हिंट क्या है,
पहले तो आपको मोल कंसेप्ट यूज़ करना है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहला काम आपका क्या है कि आपको 250 ग्राम में मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट मोल्स, आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे मल्टीप्लाई करना है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था आपके यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्ज एट रेस्ट, की क्विक रिव्यू है, देख सकते हो, चार्ज एट रेस्ट, जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्ज ही क्या है, सबसे पहले चार्ज क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बॉडी पे आने के बाद बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लग जाती है, उसके ऐसा यूनिट है कूलम। दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और चार्ज स्केलर है, उसको सीधा ऐड कर सकते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पढ़नी पड़ेगी, सबसे कम चार्ज, सबसे कम चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, ई, दैट इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव में चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई। तो मैं आपको बता रहा था कि चार्ज किसी बॉडी पे क्यों आ जाता है, रब करने से क्यों आता है। तो नेचर ने जितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, आप ऑक्सीजन का भी ले सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो टोटल नेट नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज से, तो टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ चार्ज, हियर इज योर सिलेबस स्टार्ट, दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन क्या है, जब कोई चीज़ स्टेप में इंक्रीज डिक्रीज होती है, जैसे स्टेयर्स हैं, तो चार्ज भी स्टेप में इंक्रीज डिक्रीज होगा, वन ई हो सकता है, टू ई हो सकता है, थ्री ई हो सकता है, पर 1.2 ई नहीं हो सकता। सो सिंपल फार्मूला आ गया था अपने पास, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन इंटीजर आना चाहिए, ये बेसिक डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, इसके बेस पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो, जैसे हमने किया था, क्या ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एन या ई दिया होगा या क्यू या ई दिया होगा, ई तो आपको पता ही है, एन निकालना होगा या क्यू निकालना होगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे, और एक आपको न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क में दिया है, यू कैन ट्राई, दैट विल बी कि 250 ग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने। तो मैंने हिंट भी दिया था, ट्राई टू सॉल्व एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम, जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगा, तब तक के लिए आप थोड़ा खुद पढ़ सकते हो, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, देखिए किसी बुक से पढ़िए, एंड कोई आपको सजेशन लगे तो मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ, आई एम राइटिंग डाउन माई नंबर, प्लीज़ वीडियो के बाद आपको लगे कि कोई सजेशन आपको लगता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करोगे तो मे बी आई एम नॉट एबल टू पिक सम टाइम्स, बट व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो, दैट इज 999-6357-485, इस नंबर पे आप मुझे आपके सजेशन व्हाट्सएप कर सकते हो। सो वो मैं इंट्रोडक्शन एक वीडियो बाद में डालता हूँ, अभी के लिए ये यही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।